iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, is it the time for iPhone 14 mini? But leaks and rumors के हिसाब से iPhone 14 mini हमें नहीं मिलेगा। ऐसे क्या reasons है जिसके वजह से हमें नहीं देखने को मिलेगा? आज के वीडियो में जानेंगे। This is me Anirudh and you are watching iGeeks Blog Hindi। सबसे पहले तो ये जान लो, इस बार 14 सीरीज लाइनअप में चेंजेस होने वाले हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। इस बार हमें 14 भी मिलेगा, उसका बड़ा वर्जन मिलेगा 14 मैक्स, फिर उसके बाद 14 प्रो भी होगा, उसका बड़ा वर्जन, फिर 14 प्रो मैक्स। तो टोटल 4 मॉडल्स हमें इस साल मिलेंगे। बट टॉकिंग अबाउट आईफोन 14 मिनी जो कि इस साल हमें नहीं मिलेगा, रीजन यही हो सकता है कि 6 इंच डिस्प्ले आइडियली प्रेफर किया जाता है अगर आप कंज्यूमर्स के बीच में पूछते हो, एंड एप्पल भी इसी चीज को सोचते हुए शायद मिनी को डिसकंटिन्यू कर दे। बट कहीं ना कहीं ये भी देखते हो तो यूएस में जो यहां पर मार्केट शेयर निकल कर आई थी क्वार्टर 1 में 2022 में, आईफोन 13 सीरीज जो है 71% मार्केट शेयर कैप्चर कर रही थी। बट टॉकिंग अबाउट 12 मिनी एंड 13 मिनी तो सिर्फ और सिर्फ 3% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा था। ऑल्सो एक रिपोर्ट भी निकल कर आई थी कि आईफोन 12 मिनी जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया था जून 2021 में आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ डिबेट। मतलब यहाँ पर लो सेल्स के कारण एप्पल ने सोचा इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। एंड यू नो वॉट, यूएस में एक और रिपोर्ट निकल कर आई थी जहां पर आईफोन 13 सीरीज जो है 71% मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा था। बट टॉकिंग अबाउट 12 मिनी एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग 13 मिनी, टोटल सिर्फ और सिर्फ 3% मार्केट शेयर जो है सिर्फ कैप्चर थी। फिर आ जाता है एक और कंटेंडर जो कि एप्पल के ही तरफ से, वो है आईफोन SE थर्ड जनरेशन। आईफोन SE थर्ड जनरेशन में A15 बायोनिक मिल जाती है जो कि आईफोन 13 सीरीज में मिल जाती है। सो सिमिलरली परफॉर्म करते हैं, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट बिल्ड, एक्सेप्ट डिस्प्ले एंड एक्सेप्ट कैमरा। बट अगर आपके पास कम बजट है तो आप आईफोन SE 3 की तरफ देखोगे कंपेयर टू आईफोन 13 मिनी। एंड अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो डेफिनेटली आप आईफोन 13 की तरफ देखोगे, क्योंकि आइडियल साइज 6 इंच अगर आपको पसंद है एंड जब आपको डिस्प्ले बेटर चाहिए तो ओवरऑल सब कुछ फॉर्म फैक्टर वाइज भी बेटर, क्यों ना ले लो आईफोन 13 लेकर। सो एंड ऑफ द डे यही कंक्लूजन निकल के आता है कि जब लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, सेल्स वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं है, मार्केट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी ज्यादा सेल नहीं हुई है, तो एप्पल इसे क्यों कंटिन्यू करे। दैट्स व्हाई आईफोन 14 सीरीज में मिनी सीरीज हमें इस साल देखने को नहीं मिल सकता है। बट ऑल्सो ये भी बता दो कि आईफोन 13 मिनी जो है डिसकंटिन्यू नहीं होने वाला इतनी जल्दी। अगर आपको पसंद है आईफोन 13 मिनी देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड बाय इट। बट अगेन आईफोन 14 सीरीज के मिनी सीरीज में हमें कोई फोन देखने को नहीं मिल सकता है इस साल। That's it. I hope आपको वीडियो पसंद आया। If yes, then वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे एक वीडियो को अपलोड जैसे ही हम करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। Also, make sure to download iGeeks Blog app for exclusive content about everything Apple. Apple ecosystem में कोई भी डाउट है तो आपको यहाँ पर सारे जवाब मिल जाते हैं। तब तक के लिए दिस इज मी अनिरुद्ध एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।